रहे हैं? ओके, सबसे पहले तो आप दोनों का कन्वर्सेशन में बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए आपका कि आप फिल्म प्रोड्यूस करने वाले आपके नाम के साथ. जो कमिंग फिल्म है उसकी बात करें कि जिसको जिसके लिए बात करें? जिसके लिए बात करने वाले हम लोग. बेसिकली ये फिल्म है जन्नती मिलन. हम लोग इस फिल्म की जो सबसे पहले अपने नाम के साथ. और सर इस कैमरा को यहाँ देखिए, लेंस पे देखिए. समीर गौतम फ्रॉम वी फॉर यू प्रोडक्शन, दिल्ली से हूँ मैं. पूर्णिमा सिंह जी हैं, पार्टनर है वी फॉर प्रोडक्शन की. और अभी जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, ये फिल्म ऋषभ इंटरनेशनल की मेहनत तले बनी हुई फिल्म है जिसको हम दिसंबर में रिलीज करने जा रहे हैं. अभी जितनी भी हलचल हो रही है इस फिल्म के लिए वो सब रिलीज की ही तैयारी है. जन्नत मिलन किस तरह की फिल्म होने वाली है? क्या कुछ नया कुछ देखने मिलेगा ऑडियंस को? सस्पेंस म्यूजिकल म्यूजिकल लव स्टोरी. ओके, तो म्यूजिक से बहुत ज्यादा अपेक्षा होगी फिल्म के. क्या मतलब किस तरह का म्यूजिक होने वाला है फिल्म में, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं और कहानी के बारे में थोड़ा सा. सर ये जो म्यूजिक जो अट्रैक्ट करेगा यंगस्टर्स के लिए, बेसिकली बहुत अच्छे साउंड से बहुत अच्छा म्यूजिक बना हुआ है, गाने बहुत अच्छे हैं. इसका जो बेसिकली सॉन्ग है परदेसिया, लगता है कि सुपर डुपर हिट होगा. सभी को उम्मीद होती है, हमें भी उम्मीद है ऐसी. और इस फिल्म की जो कहानी है बेसिकली एक छोटे शहर की कहानी की, एक लड़की पढ़ने के लिए दिल्ली आती है, उसके साथ एक जो उसका लड़का होता है वो रहता है साथ में. लड़का उसको डिच करता है तो वो सुसाइड कर देती है. सुसाइड करने के बाद लड़की वहीं पर सुसाइड करते हैं, एज ए सोल हो जाती है, आत्मा की तरह साथ में रहती है. मैम आप बताइए आप दोनों का कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है? आप भी एज ए प्रोड्यूसर ही है वी फॉर यू में, तो कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है आप दोनों के बीच में और फिल्म के साथ किस तरह का? क्योंकि शूट तो हो चुका है फिल्म, तो थोड़ा सा बताइए उस बारे में कि कैसा एक्सपीरियंस रहा. एक्सपीरियंस हम लोगों का काफ़ी अच्छा रहा. और जो मूवी है ये यंगस्टर्स के लिए काफ़ी एक अच्छी मूवी है, कि एक मैसेज देने वाली मूवी है. क्योंकि इसमें आजकल होता है क्या कि लड़कियां आ रही हैं बाहर तो पढ़ती नहीं है, लव में चली जाती है, बट उनका जो मेन मोटिव होता है घर से आती है तो होता है कि लाइक उन्हें पढ़ना है, उस चीज़ से वो भटक जाती हैं. तो ये एक मैसेज देने वाली मूवी है कि हम ठीक है लाइफ में जो भी अप डाउन होते हैं वो तो रहे, बट जो हमारा फोकस है वो कभी इंसान को मतलब उससे डगमगाना नहीं चाहिए, वो भी रहना चाहिए. तो ये काफ़ी मैसेज वाली मूवी है, आप लोग देखिएगा जरूर. हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इस मूवी का. सर आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, तभी साथ में जो है रेसिडेंटेशन के साथ में जो है हम एसोसिएट हैं फिल्म के अंदर बिफोर प्रोडक्शन. इसका जो बैनर है वो है ऋषभ इंटरनेशनल, जो उसकी प्रोड्यूसर है वो हेमलता रहते हैं. राइट सर, इसके अलावा फिल्म की स्टारकास्ट किसी भी फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्टोरी लाइन को सूट होनी चाहिए स्टारकास्ट. तो इस फिल्म की स्टारकास्ट कैसे फाइनलाइज की गई है? जैसे हम देख रहे हैं कि नए चेहरे हैं, कहीं ना कहीं रिस्क भी रहता है उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा. मेरा मानना ये है कि आजकल का जो समय है बड़ी फिल्में आती हैं फ्लॉप हो जाती हैं, एक छोटी फिल्म आती है निकल पड़ती है. आजकल जो कहानी है कहानी के ऊपर फिल्म के ऊपर कहानी में दम होना चाहिए कि कहानी है कैसी. अगर कहानी अच्छी है तो नो डाउट की फिल्म निकल जाती है, नहीं तो 150 करोड़ की ब्लू फिल्म जैसी जो फिल्म फ्लॉप हो जाती है, 50 लाख की प्यार का बचना वर्ल्ड हो जाती है. लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है नया क्या है. राइट, तो मतलब किस तरह का कोऑर्डिनेशन हुआ था जब आपने स्टारकास्ट को फाइनलाइज किया, उस बारे में बताइए कुछ की क्या डिस्कशन हो रहा था स्टारकास्ट को लेकर. सर जब हमने ऑडिशन दिए तो हमने काफ़ी ऑडिशन दिए, सोचे कि नहीं इसको ले जाए इसको, लेकिन जो कुछ करेक्टर हमारे ऑडिशन में आए जो नए चेहरे थे हमने लगा कि हमारे ये भी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए. हम लोगों को फाइनल किया, नए चैनल के साथ नई कोशिश की है पहली, दूसरी कोशिश भी साथ साथ तैयारी चल रही है हमारी. फिल्म का नाम है दंगा. और ये फिल्म आजकल जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है जो समाज में चल रहा है ये उसी की कहानी है कि भाई लड़की मुस्लिम है लड़का हिंदू है, उनको क्या स्ट्रगल करना पड़ता है अपने प्यार पाने के लिए, यही दिखाया गया है. ये हमारी 2019 मार्च तक आ जाएगी फिल्म. ओके, मतलब पहले जन्नत मिलन आएगी उसके बाद दंगा फिल्म आएगी. जन्नत मिलन दिसंबर, फाइनल दिसंबर में उसको रिलीज करेंगे. ओके, तो अगर जन्नत मिलन की बात करें कहाँ पे शूट हुई है थोड़ा सा उस बारे में बताइए. पूरी दिल्ली और NCR के अंदर शूट हुआ है, मुंबई में कुछ नहीं किया है, बाकी जो पोस्ट प्रोडक्शन है मुंबई के अंदर ही किया है सारा. ओके, तो रिलीज का क्या प्लान है, कितने थिएटर्स में रिलीज करने वाले हैं और क्या मुंबई में भी रिलीज करने वाले हैं या फिर? सर जो हमारी फिल्म के जो PR प्रमोशन देख रहे हैं लोकल एंटरटेनमेंट, ये उन पर डिपेंड करता है कि वो हमें क्या सजेस्ट करते हैं. बाकी तैयारी तो दिल्ली मुंबई और UP की है.
ओके मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब रिलीज होने वाली है जी, ओके जैसे आपने बताया कि नई स्टारकास्ट है, तो स्टारकास्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन फाइनलाइज हुआ है, अगर उस बारे में कुछ बताया। सर ऋतिक वैद्य है जो भी है राइट टाइम जो कनाडा में स्टडी के लगे हुए हैं, फिल्म को चलेगी तो जो फीमेल है वो मॉडल है दिल्ली से और अभी जो है चेन्नई के अंदर वो भी स्टेबल है। ओके सर एज अ डायरेक्टर कौन है फिल्म का और उस बारे में कुछ बताइए। और डायरेक्टर मिस्टर सोनू है, जी के लिए काफ़ी काम किया हुआ है उनको, अभी तक उन्होंने म्यूजिक एल्बम की थी, हमें लगा ये कर सकते थे, हम उनको चाहते थे कि आप आई जाए कीजिए क्या दिक्कत। ओके और जैसे आपने कहा कि म्यूजिकल थ्रिलर है तो सिंगर्स कौन से आपने फाइनलाइज किए? टोटली न्यू कमर्स सिंगर थी लेकिन गाने आप सुनिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि हम गाने किस लेवल पर गाने। सर आपकी फिल्मों में न्यू कमर्स ज्यादा होते हैं क्या, इसके पीछे कोई खास वजह है या ऐसा कोई आपकी स्ट्रेटजी है या न्यू कमर को लेकर आपका क्या ये विचार है? अगर हम अभी के समय की बात करें तो मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या कोई आज का नया कलाकार हो, वो एक टाइम में तो सब नए से स्टार्ट होते हैं ना सर, अगर थोड़ा मौका मिले तो उसको कल दिखाने की ज़्यादा होती है कैरेक्टर के अंदर, आपको बड़ा नाम लेंगे बड़ा चेहरा लेंगे तो उनको तो सीधा कि आपने उनको पेमेंट तय कर ही खत्म, लेकिन नए के साथ अगर आप काम करें तो आपको बहुत अच्छा करके दे सकता है, जो लगन होती है उसमें कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है। राइट, तो जन्नत मिलन दंगल के अलावा मतलब दंगा के अलावा और कोई फिल्म अगर आप उस बारे में कुछ बताए कोई? सर 2009 में मेरी रिलीज फिल्म है रफ्तार एंड ऑब्सेशन, तो ये सर जो आपकी फिल्म है अभी जन्नत मिलन, तो जन्नत मिलन मतलब कि जो स्टोरी है आम आज की स्टोरी से कितना डिफरेंट है, ये क्या ऐसी क्या अलग क्या आपकी यूएसपी क्या है? सर ये तो जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा। इसके लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। खोल दो खोल दो देखेंगे जी। आसान है सर, देखिए इंडस्ट्री तो मुंबई है कहने को, लेकिन सब जगह हर काम होता है, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें हरियाणा कुछ इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन वहाँ की छोटी छोटी फिल्में आप यूट्यूब पर देखिए सपना चौधरी कहाँ से, अभी वो बिग बॉस से भी निकल के गई है सपना चौधरी, कौन जानता था उसको, तो इंडस्ट्री तो छोटी सी वो भी है ना मुंबई, वहाँ से भी लोगों को खींच के लाते हैं काम पर डिपेंड करता था। करेक्ट, काम कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये जो फिल्म है ये दिसंबर तक या कब तक? दिसंबर में ही। ओके, और जो ऑडियंस है उनको एक नई तरह की कहानी वगैरह मिलेगी। थैंक यू सो मच। ये तो चलेगा। ओके सर, ओके सर।